आशुतोष अवधारदानी मेरे इष्ट पर आराध्य की असीम अनुकंपा से। काफी प्रकार की कथा हमको सुनने को मिलती है, मगर हनुमंत कथा का अवसर वैसे नहीं प्राप्त होता है। तो हनुमंत कथा के अवसर पर पधारे हुए सभी श्रोता, मेरी माता ये बड़े बुजुर्ग, आप सबका दो हाथ जोड़कर करवत हार्दिक स्वागत अभिवादन। हनुमान जी महाराज के बारे में मुझे सीधी कथा पे जाना है, क्योंकि हमारा समय वैसे कई बार आप लोग खा जाते, मैं खा जाता, एक बार मैं बोल देता हूँ आप लेट है, तो जब मैं बोलता हूँ तो दूसरे दिन मैं लेट हो जाता हूँ। तो जब हम उंगली लगाते हैं ना तो तीन उंगली हमारी ओर आती है, वो हम भूल जाते हैं कि तीन उंगली हमारी ओर आ गई, और जैसे हम दूसरे का दोष देखने शुरू कर देते हैं प्रभु हमको ही दोषी बना देते हैं कि तू दूसरे का दोष देखना बंद कर, स्वदोष का दर्शन। ये हनुमान जी महाराज इतने हनुमान जी महाराज की कथा, इसका श्रवण अमृत यही कथा सुनाई। तो हनुमंत कथा का जो अवसर मिला, हनुमंत कथाएं बहुत कम होती है, पर्टिकुलरली सुंदरकांड को माध्यम बनाकर और इर्द गिर्द कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ सुंदरकांड की महिमा को, सुंदरकांड के भाव को, सुंदरकांड के वैभव को देखते हुए हनुमान जी का चरित्र का दर्शन करने का ये हमें बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला, मौका मिला। तो मैं मानता हूँ कि इसमें प्रभु हनुमान जी की ही कोई कृपा नहीं हो। आजकल हनुमान जी महाराज के बारे में काफी तर्क होते जा रहे हैं। पहला तर्क तो यह है कि हनुमान जी महाराज की पूजा माताएं नहीं कर सकती है। तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा हमने देखा कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। सुंदरकांड शुरू होने से पहले तुलसी ने स्पष्ट कर दिया, ये पुरुषवादी समाज है, ये पुरुष ऐसा मानता है कि सब मेरा अधिकार है। और हनुमान जी की मूलभूत शक्ति, हनुमान जी महाराज शक्ति के उपासक, और यहां सीता को बोले हनुमान जी महाराज, भगवती माँ जगदम्बा सीता अम्बा को बोले कि माँ आशीष तव अमोघ विख्याता, मुझे मालूम है माँ तेरा आशीष जिसको मिल जाता है, तेरा आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो अमोघ हो जाता है। अमोघ यानी वो कभी वापस नहीं आता, वो जो भी ठान लेता है उसका परिपूर्ण हो जाता है। तो जस सुनहि जे नर अरु नारी, स्त्री पुरुष वयस्क बालक अबाल वृद्ध हनुमान जी महाराज का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज को स्पर्श कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। काफी प्रकार की हनुमान जी की उपासना शास्त्र में संत मत में प्राप्त है। एक बहुत ही बढ़िया कनक बनन प्रयोग बताया गया है, ये अनुष्ठान 40 दिवस का होता है। आपको 40 दिन हनुमान जी महाराज की मूर्ति का विग्रह, उसमें हनुमान जी महाराज का आवाहन करना है और प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना है, अखंडित 40 दिवस। यथाशक्ति सुवर्ण पीला धान, पीला वस्त्र, पीला पुष्प आदि का दान करके सन्यासी साधु को जीवा कर अंत में दीपक दान करके हम उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो उससे
कनक वर्ण यानी कि सुवर्ण जैसा शरीर प्राप्त होता है, काया निरोगी होती है। रोग के उपद्रव से बचने का ये हनुमान जी का बहुत ही सटीक बढ़िया, बाकी अन्य साधना आपको पंडितों को बिठाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और सब जो भी हम करना चाहे तो भी उच्चार बराबर नहीं हो सकता है, मगर ये सुंदरकांड हमारी रीजनल लैंग्वेज है, अवधी भाषा है, तो उसको हम गा सकते हैं, राग रागिणी में भी गा सकते हैं, तो डेढ़ घंटे दो घंटे में जिसका मुहावरा है, अभ्यास है, वो तो एक घंटे में भी सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। ऐसे सुंदरकांड को निहित बनाकर ध्रुव में रखकर, केंद्र में सुंदरकांड को रखकर भगवान हनुमान जी महाराज को जानने का हमें जो अवसर मिला है, मैं मानता हूं इसमें हनुमान जी की कृपा के सिवा और कुछ नहीं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से कल कथा चली थी, आज थोड़े श्रोता नए हैं, और नया है या नहीं है तो भी कंटिन्यू। सुंदरकांड का मूल कि सुंदरकांड कितना है, कथानक कितना है, रामायण की कथा का पांचवा सोपान उसको कहते हैं सुंदरकांड। तो हनुमान जी महाराज का लंका के लिए निकलना, सीता की शोध करके यहाँ आना, और प्रभु राम अपनी सेना लेकर लंका की ओर चढ़ाई करते, बस यहाँ सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। इतनी कथा है जो रामायण का पाठ करते उनको ज्यादा मालूम है, तो इतनी लंबी कथा भी नहीं सुंदरकांड की। सिर्फ हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका मैया को लेके आते हैं, लंका जो भी करते हैं वो वहां से आते हैं, प्रभु राम को बताते हैं, और प्रभु राम जी लंका की ओर सेना लेकर प्रयाण करते, यह सुंदरकांड समाप्त हुआ। मगर हम पहुंचे हैं कि हनुमान जी महाराज निकले तो कैसे निकले, जिमिया मोग रघुपति कर बाना, यही बातें चले। हनुमान जी महाराज रघुवीर का जैसे बाना जाता है ऐसे निकले, बीच में मैनाक पर्वत आया, सुरसाई अहिं के माता आई, मगर हनुमान जी ने समय बिगाड़े कर अपने गोल को केंद्र में रखते हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी, सबको वंदन नमस्कार, मारना था उसको मारा, पीटना था उसको पीट लिया, वंदन करना था वंदन कर लिया, शरणागति मारपीट करते हुए लंका पे आ गए। सुंदर लंका को देखा, लंकिनी ने सूक्ष्म रूप धारण करने के बावजूद भी मशक समान रूप कपी करी, मच्छर जैसे हनुमान जी बने मगर फिर भी पकड़े गए। लंकिनी ने पकड़ा, लंकिनी को मुथिका एक महाकपी हनी मारा। लंकिनी ने आग्रह किया सत्संग कीजिए, सत्संग का प्रभाव सत्संग का वर्णन किया। लंकिनी सत्संग के बारे में कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की अभूतपूर्व महिमा सुंदरकांड के आरंभ में आई। हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, हृदय में राम को रखकर प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, जो भी करना है आप जाके कीजिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी कुकर ही मिताई गोपद सिंधु अदन सिंधु, अनेक प्रकार के आशीर्वाद। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां था अग्रित जोधा, मंदिर महुन दिखी वही देवी भगवती जगदम्बा, नहीं दिखाई दी हनुमान जी महाराज व्याकुल, उनमें से कच्चा घर रामायुध अंकित गृह शोभा बरने जाई नव तुलसिका वृंद तहा, ये फर्स्ट फॉरवर्ड कथा कहते नहीं, इसको कथा नव तुलसिका वृंद तहा देखी हर्ष कबीला, तुलसी का वृक्ष देखा, रामायुध देखा, हनुमान जी राजी, मगर सोचा कि लंका है राक्षसों की नगरी है, यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है, मगर आप सज्जन है तो राक्षसों की नगरी में भी आपको सज्जन मिल जाता है, आप दुर्जन है तो सज्जनों की नगरी में भी दुर्जन आपको मिल जाएगा। मन महु तरक करे कभी लागा यही समय विभीषण जागा राम राम तेरी सुमिरन।
जागते ही प्रभु इष्ट को याद किया, विप्र का रूप लेकर हनुमान जी महाराज विभीषण के सम्मुख आए। विभीषण को हनुमान जी को देखकर प्रेम जागृत हुआ कि भाई आप हरि के भक्त लगते हैं। तो हनुमान जी ने इशारा किया, क्यों? तो कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूं मोही करन बरभागी, मुझे भाग्यशाली करने के लिए महाराज जी आप आए ऐसा मुझे लगता है। फिर विभीषण ने अद्भुत चौपाई दे दी, जो जगह प्रसिद्ध चौपाई है हमारे जीवन के बहुत लिए बहुत ही बढ़िया। अब मोहि बाप रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बगैर संत मिलते नहीं है। मोड़ो डकाय तो डकाय पर गुरु वाका वड़े बोलू के जय बोलेगा। अखो के अनु करवो के करवा दे सिद्धू थई जाए डको। तो अब वही भाव भरोस हनुमंता अने बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके द्वार में यदि संत आते हैं तो समझना कि हरि अनुकूल हुए। भगवान अनुकूल होते नहीं तब तक संत आते नहीं। आप सोचिए थोड़ा सुंदरकांड का अभ्यास कीजिए, बार बार पढ़िए और एक एक चौपाई को बार बार पढ़िए, क्या अर्थ क्या होता है। हनुमान जी महाराज पहले आए, हनुमान जी महाराज को कुछ कहा नहीं गया, प्रभु राम जी ने अंगूठी दी थी मां कि सीता को ये सबूत के तौर पर आप दे सकते यदि सीता न माने तो। और जामवंत जी ने क्या इतना कहूं ताप तुम जाई सीता ही देखी कहूं सुधि आई। अरे सिद्धू इतने सीधे सीधो सीधा तो इधर ही आई और कुछ करना नहीं। हनुमान जी है वो संत है। हनुमान जी ने सोचा कि सभी को दर्शन संत का जब तक नहीं होता है तब तक ये राम के दर्शन कैसे कर पाएंगे। जब तक आपके हमारे जीवन में संत नहीं आता साहब प्रभु कभी आ ही नहीं सकते। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि सबको मिलाओ, ये सब कितने भाग्यशाली है, प्रभु राम सबको मारने के लिए आ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज और वहां के लोग भी बड़े सज्जन थे ना लंका के। हम सोचते हैं कि लंका वालों ने बहुत खराब किया, खराब नहीं किया। राम हनुमान जी को पकड़ा, आरती जलाई, मगर कैसे जलाई, राक्षस थे बुद्धि नहीं थी। पूछ बुझाई, पूछ जलाई, रहान नगर बसंत गढ़ तेला, दिया और घी नहीं लिया, बाती और घी नहीं लिया, वो राक्षस थे। राक्षस की पूजा की पद्धति राक्षसी होती है, तो दिया नहीं तो उसका पूछ दिया जैसा लगा उसको। राक्षसों ने बुद्धि आवे नहीं तो पूछ के ऊपर वो सब कपड़ा लपेट दिया, घास से भी डाला, रहान नगर बसन ग्रंथ और तेल, तेल और घी, घास तो हमारी शोध है। हनुमान जी को दो दीपक होते ग्रंथ का और तेल का, तो ग्रंथ और तेल डाला तो इतनी बड़ी लंबी बाट कहां से लाए, तो पूछने के ऊपर ही बता दी। और हनुमान जी की आरती, फिर कैसे हनुमान जी के साथ और एक बना हुआ, पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। और कैसे घुमाया गया, हमारे यहां कोई बड़े संत आते हैं तो हम कैसे करते हैं, श्री बलावी सज करो रे घेरे आओ ने, बाजे ढोल दे सब तारी, ढोल नगारे के साथ हनुमान जी को लंका में घुमाया ताकि रावण को भी पता है कि सब लोग इसके दर्शन कर ले तो उसकी मुक्ति होगी। मगर यहां लंकावासी गलती कर दे, ताली लगाई मगर लात मारी हनुमान जी, वो उसका दुर्भाग्य है। उस लात के कारण हनुमान जी महाराज ने गर्भस्त्र वही सब निश्चल ना है। तो हनुमान जी को समझने के लिए साहब समझ नहीं सकते, तो नहीं समझ सकते उसके लिए क्या रास्ता है।
शरणम। शरणागति वो श्रेष्ठ विकल्प है। कोई भी व्यक्ति कभी भी हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। तो यही ऐसे दिव्य भव्य और भगवान तक पहुंचाने वाले, क्योंकि ये द्वार है, राम द्वारे तुम रखवारे। जब तक द्वार नहीं आता तब तक मंदिर में आलय में प्रवेश असंभव है। तो मुझे लगता है कि सब हम प्रभु के द्वार पर आज सुंदरकांड की हनुमत कथा सुनकर प्रवेश हो जाने वाले। लंकी निकोबार के अंदर गए, विभीषण से मुलाकात हुई, जगुति बताई, अशोक वाटिका में गए, तरु पल्लव महारहा लुकाई, रावण आया, मंदोदरी साथ में आई, मारने लगा, मंदोदरी ने बचाया, एक महीने की मोहलत दी, एक मास दिवस महु का हनुमाना, तो मैं मारी भी काटी कृपाना।